प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 5 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लो फर्स्ट पार्ट ऑफ 14 एंड 15। पहले इसका नंबर समझ लीजिए, क्या कहना चाहते हैं। कहते इसमें नेचुरल नंबर बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ये दिए, ये कंजेक्टिव नंबर्स है। इसमें जहां प्रॉपर्टी लगती है जे वाली, हमने पढ़ी है, देयर आर टू एन नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर्स दैट इज एन एंड एन प्लस वन। अगर कोई भी दो कंजेक्टिव नंबर्स हों, जरा ध्यान से समझ लो, जैसे टू और थ्री है, इनका करें स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर और थ्री का स्क्वेयर, इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। टू का स्क्वेयर हो गया फोर, थ्री का स्क्वेयर हो गया नाइन, तो कितने देखें, इसमें नंबर आ गया फाइव सिक्स सेवन एट, फोर नंबर लाई करें किए। जे फोर नंबर अगर हमने डायरेक्ट निकालने हो तो क्या करेंगे, जे कंजेक्टिव नंबर होने जरूरी है तो 2n सीधे निकाल सकते हैं, जहां n 2 है जो फर्स्ट नंबर है, तो आप देखो 2n 2 दो दूनी चार, तो कितने हो गए 4, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बड़े ही डायरेक्ट ही हमें पता चल गया कि 4 नंबर आएंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन करने। अब जहां 14 एंड 15 है फर्स्ट पार्ट, तो ये कंजेक्टिव नंबर्स है, 14 एंड 15 कंजेक्टिव होते हैं, जो साथ साथ के होते नंबर, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 साथ साथ चलते हैं। ऐसे पहले एक लाइन लिख लेनी है, जो प्रॉपर्टी हमारी, वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेयर n क्या है, 14, जे वाला 14 ना, फर्स्ट जे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो n स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया 14 प्लस 1 15 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n हो गया ना, तो n जहां कितना है 14 है, 2 × 14 28 नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे, किसके 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 14 का स्क्वायर आपको पता ही है 196 होता है, इसके आगे 197 198 ऐसे सारे गिनते जाएंगे, तो जो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो 224 तक आप गिनोगे, बीच में जितने भी नंबर है वो कितने होंगे 228 होंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 21 एंड 22, इन दोनों का स्क्वायर के बीच में हमने नंबर ढूंढने हैं, वैसे लिख लेना आपने, वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हियर n इज इक्वल टू 21, जो जहां फर्स्ट कंजेक्टिव नंबर होगा ना, 20, ये दोनों कंजेक्टिव नंबर होने जरूरी है। n स्क्वायर होगा 21 स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर 22 स्क्वायर बनाना। नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर कितना होगा 2n, तो n जहां 21 है 2 × 21 तो 42 नंबर्स इसके बीच में हो गए, 21 का स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में 42 नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही थर्ड पार्ट है 30 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर के बीच में नंबर ढूंढने हैं, इन दोनों का स्क्वायर 30 का स्क्वायर एंड 31 का स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हो गए। जे भी कंजेक्टिव नंबर है, ऐसे ही लिख लेना, वी नो दैट देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हियर n कितना होगा 30 होगा, जहां 30 जो फर्स्ट नंबर है वो ही लेना हमने, n स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर 30 प्लस 1 का होल स्क्वायर 31 स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 30 स्क्वायर एंड 31 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × n है ना, n जहां कितना 30, तो 2 × 30 हो गया 60, तो 60 नंबर इन 30 का स्क्वायर और 31 के स्क्वायर के बीच में होंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है 10 एंड 11, इनके स्क्वायर्स के बीच में ढूंढने हमने नंबर, ऐसे ही आपने लाइनें लिख लेनी, वी नो दैट देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2n नंबर लाई करेंगे। हियर n 10 जो फर्स्ट नंबर है, जो कंजेक्टिव नंबर होने जरूरी, n स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड n प्लस 1 हो गया 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर 11 स्क्वायर बन गया, तो नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n हो गया ना, n जहां 10 है 2 × 10 हो गया 20, तो 20 नंबर लाई करेंगे बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर्स हैं।